अंकल पिकलेट का प्राइस कितना है? भाई बकरा का दाम कितना है? हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू अंदर ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ विश्रामगंज मार्केट में और आज मैं विश्रामगंज मार्केट का पूल एक्सप्लोर करने वाला हूँ, इसलिए आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को भी ऑन कर देना। ऐसे नई नई ब्लॉग देखने के लिए चलिए ब्लॉग को शुरू कर रहा हूँ। गाइस अभी मैं विश्रामगंज मार्केट में आ चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो, अभी पूरा मार्केट आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है? आप लोग ब्लॉग पर बनी रहे। गाइस पहले आप लोग को मैं सब्जी का मार्केट दिखा देता हूँ, सब्जी वगैरह क्या क्या मिलता है और प्राइस वगैरह कितना है वो सब कुछ दिखा देता हूँ। उसके बाद आप लोग को बकरी का मार्केट दिखाऊंगी और लास्ट में आप लोग को पिकलेट का मार्केट दिखाऊंगी, इसलिए आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। ये देख सकते हैं ग्रीन मिर्ची है, इसका प्राइस पूछ लेता हूँ भाई साहब से। भैया इसका प्राइस कितना है? गाइस मिर्ची पर किलो 100 रुपीज है और मिर्ची भी बहुत ही भारी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अभी आ चुकी हूँ। ये देख सकते कीरे, इसका प्राइस भी पूछ लेता हूँ अंकल से, इसका प्राइस कितना है? अंकल कीरे का प्राइस कितना है? कीरे का प्राइस है पर किलो 50 रुपीज, ठीक है? अब गाइस अभी आप लोग को दिखा देता हूँ, थाईवेल लोगों का सब्जी भी मिलता है इस मार्केट में, क्या क्या मिलता है और सब कुछ अभी आप लोग को दिखाऊंगी, इसलिए आप लोग ब्लॉग पर बने रहे। गाइस ये देख सकते हो स्नैल, इस मार्केट में आप लोग को स्नैल्स वगैरह भी मिल जाएगा, इसका प्राइस पूछ लेता हूँ अभी आंटी से, इसका प्राइस कितना है? आंटी इसका प्राइस कितना है? 80 टका। स्नैल्स का प्राइस है पर किलो 80 रुपीज, ठीक है? गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ बकरी की मार्केट में, आप लोग देख सकते हो ये मार्केट होता है हफ्ते में 2 दिन, रविवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन, सुबह 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक होता है ये मार्केट। पहले आप लोग को पूरा मार्केट दिखा देता हूँ, उसके बाद प्रैक्टिकली 1-2 बकरी का प्राइस पूछ के आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? और लास्ट में आप लोग को पिकलेट का मार्केट भी दिखाऊंगी, इसलिए आप लोग ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस अभी आप लोग को बहुत ही बढ़िया बकरी दिखा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से देख लो पहले, उसके बाद उसका प्राइस पूछ लूंगा भैया से। पहले अच्छे से देख लो आप लोग, एक खासी किया हुआ है बकरी। भाई इसका प्राइस कितना है? आप लोग देख सकते हो इसका प्राइस है 850, ठीक है? और भी आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग आप ब्लॉग पर बनी रहे। मैं दूसरा साइड में आ चुकी हूँ, इस साइड से अभी आप लोग को दिखा देता हूँ और 1-2 बकरी या बकरा का प्राइस भी पूछ लेता हूँ, इसका प्राइस पूछ लेता हूँ इसका प्राइस कितना है। पहले आप लोग अच्छे से देख लो, ये भी बकरा है, इसका प्राइस पूछ लेते हो अंकल, इसका प्राइस कितना है? 11। गाइस इसका प्राइस है 11,000 बोला अंकल ने, बहुत ही ज्यादा हो गया प्राइस। इस साइड में देखो, इस साइड में भी 2 बकरी है, इसका प्राइस मैंने पूछा था 5,500 बोला इसका प्राइस भी, ठीक है? मैंने आप लोग को बकरी की मार्केट भी दिखा दी, अभी आप लोग को पिकलेट का मार्केट दिखा देता हूँ, आप लोग ब्लॉग पर बने रहे और आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अभी मैं आ चुकी हूँ पिकलेट का मार्केट में, आप लोग देख सकते हो अभी आप लोग को पिकलेट का प्राइस भी 1-2 पिकलेट का प्राइस पूछ के आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग ब्लॉग पर बने रहे। ये देख सकते हो पिकलेट अभी दिखा रहा है अंकल, इसका प्राइस भी पूछ लेता हूँ अंकल से। अंकल इसका प्राइस कितना है? 7,500। इस पिकलेट का प्राइस है 7,500 और ये मेल पिकलेट है और बहुत ही बढ़िया पिकलेट है। आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस मार्केट में आ सकते हैं, और भी आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग ब्लॉग पर बने रहे। इस साइड में भी देख सकते हो, इस साइड में भी बहुत सारा पिकलेट है इस मार्केट में, ये देख सकती हो। ये इस पिकलेट का प्राइस भी 7,500 है, लेकिन आप लोग को थोड़ा डिस्काउंट तो मिल जाएगा मार्केट में आएगा तो,